हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग कैट होता है, एसटीआर कैट, तो ये फंक्शन होता है, इसी के बारे में आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एम्प्टी फाइल लेनी है, तो यहाँ फाइल पे जाकर के और यहाँ न्यू पे जाकर के एम्प्टी फाइल ले लेते हैं और यहाँ पर हम हेडर फाइल बनाएंगे। तो हेडर फाइल लिखता हूं मैं हैश इंक्लूड एसटीडीआईओ डॉट एच, ये हेडर फाइल हो गई हमारी। फिर एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर अब एक और हेडर फाइल लिखते हैं स्ट्रिंग, चूंकि हम स्ट्रिंग का ही प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसमें इसे इंक्लूड कर देता हूं मैं स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है, डॉट एच यानी हेडर फाइल। तो ये हमने लिख लिया। अब एंटर करके नीचे आएंगे, यहां पर हमें बनाना है मेन फंक्शन, तो मैं यहां पे इंट मेन कर देता हूं, आप मेन भी लिख सकते हैं। तो यहां पे इंट मेन कर दिया हमने, इंट मेन यानी कि कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ये। यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर दिया यानी कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिया। अब यहां पे दो एक कैरेट टाइप का डेटा टाइप ले लेता हूं और यहां पे कर देता हूं एसटीआर वन, चूंकि स्ट्रिंग है तो एसटीआर वन भी वन ही कर देते हैं, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, एसटीआर वन ही रहने देता हूं मैं। और यहां पर इसकी साइज मेंशन कर देते हैं, ठीक है, एरे में इसकी साइज दे देते हैं 20, ठीक है। एरे की पहचान कैसे होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से होती है, और अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो एरर आएगी। तो यहां पर इज इक्वल टू, यहां पर मैं सबसे ज्यादा देवरिया कराने वाला हूं तो यहां देवरिया लिख देता हूं, ठीक है, पहला नाम देवरिया करेगा उसके बाद कहीं और करेगा। तो यहां पे फिर लिखता हूं मैं कैर और फिर यहां पे लिख देता हूं एस टी आर ही था, अब एस टी आर टू कर देता हूं, ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ होगा तो एस टी आर आगे भी आप कर सकते हैं, तो अभी पहले एस टी आर टू करते हैं। और यहां पर इसकी साइज मेंशन कर देते हैं, यहां पे इस बार साइज कर देता हूं 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाता हूं, यहां पे कर देता हूं दिल्ली, या तो देवरिया रहेंगे या तो दिल्ली रहेंगे, भारत की राजधानी है। तो ये कर दिया हमने और यहां से टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर वो फंक्शन लगाएंगे एसटीआर कैट, तो ये लगा दिया हमने एसटीआर कैट। और एसटीआर कैट लगाने के बाद पहला वेरिएबल था एसटीआर वन कॉमा दूसरा वेरिएबल था एसटीआर टू, तो दोनों लिख दीजिए और लिख करके बंद कर दीजिए और यहां पुट्स का यूज कीजिए। पुट्स का यूज पिछले वीडियोस में मैंने बताया है आपको, अगर पुट्स का यूज जानना है, नहीं आता है तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। ये हो गया और यहां से इसे टर्मिनेट कर दीजिए। टर्मिनेट करके जो ब्रैकेट ओपन हुआ था ऊपर उसको क्लोज कर देना है, आपका प्रोग्राम बन गया है और यहां से अब इसको सेव करना है। सेव करते वक्त ये ध्यान देना है कि जो भी सेव करेंगे, जो भी नाम देंगे हम इसको, डॉट सी एक्सटेंशन देना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां नाम दे देता हूं इसको STRING, तो ये डबल जी कर देता हूं, ठीक है, और डॉट सी लगा देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। तो ये प्रोग्राम हमारा बन करके तैयार है। अब जब हम इसको चलाएंगे, सबसे पहले तो कंपाइल करवा देते हैं, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया और अब इसको रन करवा देते हैं। तो यहां से रन करवा दिया तो देवरिया और दिल्ली दोनों प्रिंट हो रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है।